I welcome all of you on my YouTube channel once again. Friends, in this video, we will learn top 10 vocabularies. And we will also learn its antonyms, its synonyms, its parts of speech and use of that word in form of a sentence. And this session is going to be important for the following examination, which includes CDS, NDA, SSC, CHSL, CGL, Banking, Air Force, Navy, Railway. अगर शॉर्ट में कहूँ तो अगर जो आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है. सो आप इस सेशन के अंत तक बने रहें, और अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स कलीग्स इसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी यह चैनल सजेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि इस जो वर्ड आज सीखेंगे इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले कई सालों से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है. सो वी विल मूव ओवर टू द वर्ड्स. सो टुडे डेट इज 11th May 2021 एंड द फर्स्ट वर्ड विच हैज अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन इज स्टाउंच. स्टाउंच मीनिंग ऑफ स्टाउंच इज स्टालवार्ट. स्टालवार्ट का मतलब होता है लॉयल, वफादार. इन हिंदी अगर जो आप इस स्टाउंच का हिंदी मीनिंग ले तो ये हो जाएगा वफादार, लॉयल, फेथफुल. लाइक स्टॉन्च यू कैन रिमेंबर दैट डॉग इज, डॉग एक तरह का वफादार जानवर होता है. सो डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, दैट मीन्स डॉग इज़ अ काइंड ऑफ स्टॉन्च एनिमल. एंटोनेम वुड बी डिसलॉयल ऑब्वियसली, क्योंकि लॉयल अगर जो सिनोनिम है तो उसका एंटोनेम डिसलॉयल हो जाएगा. अब एग्जाम्पल, ही इज़ नोन फॉर बींग अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द एंटी न्यूक्लियर बॉडी. दिस एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम द न्यूक्लियर काइंड ऑफ थिंग्स, न्यूक्लियर एनर्जी. सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द फर्स्ट वर्ड. यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द फर्स्ट वर्ड बिकॉज वी विल मूव ओवर टू द सेकेंड वर्ड. सो द सेकेंड वर्ड विच हैज अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन इज नीडलेस. नीडलेस मीनिंग ऑफ नीडलेस इज अननेसेसरी. अब आप हिंदी में इसे देखें तो बेकार, क्योंकि जो जो थिंग अननेसेसरी होता है वो हमारे लायक नहीं होता है तो वो हो जाएगा बेकार. बेकार. अब सिनोनिम, इफ़ यू टेक इट्स सिनोनिम्स, वन सिनोनिम ऑलरेडी यू गॉट अननेसेसरी एंड अदर सिनोनिम हो जाएगा इसका इनएसेंशियल, नॉन एसेंशियल. और अगर नॉन एसेंशियल इसका सिनोनिम है तो नेसेसरी और एसेंशियल इसका एंटोनिम हो जाएगा. अब इफ़ यू टेक विथ एग्जाम्पल, आई डिप्लोर नीडलेस वेस्ट. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द सेकेंड वर्ड. सभी लोग आज दो वर्ड सीख गए. अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे वर्ड की ओर. सो जो तीसरा वर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर है वो है रेबेलियन. रेबेलियन रेबेलियन का मतलब होता है डिफायंस. डिफायंस डिफायंस मतलब रेबेलियन मतलब विद्रोह. आप इसको 1857 की क्रांति से याद रख सकते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति एक रेबेलियन था. सो रेबेलियन का मतलब होता है डिफायंस, विद्रोह, और ये एक काइंड ऑफ नाउन है. अब सिनोनिम हो जाएगा डिसओबीडियंस, इनसबॉर्डिनेशन. डिफायंस विद्रोह मतलब जहाँ पे कोई किसी को ओबे नहीं करता है तो वो हो जाएगा डिसओबीडियंस, और इनसबॉर्डिनेशन किसी की हेल्प नहीं करता है कि रेबेलियन विद्रोह. सो इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबीडियंस. ओबीडियंस. अब एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक When she did was nothing but an act of teenage rebellion. I hope all of you got the third word. So moving over to the fourth word, चौथा word जो आपके screen के ऊपर है इसका मतलब होता है speed up, और word है hasten. और guys आपको एक बार remind करना चाह रहा हूँ कि ये this has come in the previous year question of in the year written examination. So hasten means speed up. Hasten is another thing you can how you can remember it easily is hasten means hurry. Hasten hurry, h for hasten, h for hurry. Hurry means कोई भी काम जल्दी करना. So that is called hurry, speed up करना, जल्दी करना. एंड इट्स वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब. सिनोनिम इज एक्सेलरेट. एक्सेलरेट मीन्स अगेन कोई भी चीज़ क्विक करना, फास्ट करना. क्विकन अगेन द सिमिलर मीनिंग ऑफ दिस हैस्टन ओनली. एंड इफ यू गो विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के
एंटोनिम के तौर पे हो जाएगा डिले। मतलब हैस्टन का मीनिंग होता है जल्दी करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा देरी करना, और देरी करना का इंग्लिश मीनिंग हो जाता है डिले। अब इफ़ यू टेक एग्जाम्पल अगर जो आप देखें तो दिस ट्रेजडी प्रोबेबली हैस्टन हिज ओन डेथ फ्रॉम द हार्ट डिजीज। सो दिस एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम द काइंड ऑफ डिजीज। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द फोर्थ वर्ड जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर था। अब हम बढ़ेंगे अपने फिफ्थ वर्ड जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब होता है आई कैचिंग। आई कैचिंग का मतलब आप कोई ऐसा काम कीजिए कि जिससे ऑडियंस एक तरह का आई कैचिंग हो जाए, मतलब अद्भुत देख के अद्भुत हो जाए, अनोखा। इसी को बोलते हैं आउटरेजियस। आउटरेजियस इज काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। अब इसका सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। सो सिनोनिम हो जाएगा स्ट्राइकिंग और स्टार्टलिंग, और एंटोनिम हो जाएगा इनकॉस्पिकस। बट इफ यू गो विथ एग्जाम्पल, हर रूटीन एंड लियोटार्ड्स टेंड टू बी आउटरेजियस। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द फिफ्थ वर्ड विच हैज अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन। नाउ वी विल मूव ओवर टू द सिक्स्थ वर्ड। सो छठी वर्ड जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, विथस्टैंड। विथस्टैंड ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। विथस्टैंड का मतलब होता है रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब किसी भी चीज़ का विरोध करना, विथस्टैंड विरोध करना हो जाएगा हिंदी मीनिंग। अब एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा होल्ड ऑन, अगेंस्ट और स्टैंड अप, और एंटोनिम हो जाएगा गिविन। गिविन मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना, नॉट रेसिस्ट करना, सपोर्ट करना, और ये हो जाएगा एंटोनिम। क्योंकि जब रेसिस्ट अपोज करना हो गया सिनोनिम, तो सपोर्ट करना हो जाएगा एंटोनिम। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दी सिक्स्थ वर्ड। और अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिजाइन टू विदस्टैंड द विंड्स फॉर मोर देन 100 mph। यहाँ पे डिसास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर से कुछ एग्जांपल लिया गया है कि अगर जी को विंड या कोई भी हाई स्टॉर्म चले आए तो पर भी ये हाउस सह सकता है, उसका रेसिस्ट कर सकता है, वो विंड का विदस्टैंड कर सकता है। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दी सिक्स्थ वर्ड। अब सातवीं वर्ड जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो है स्नैप। स्नैप स्नैप का मतलब होता है टूटना, ब्रेक। स्नैप का मतलब होता है टूटना। अब इसका अगर जो आप सिनोनिम लें तो फ्रैक्चर, जो कि अगेन सिमिलर वर्ड है, स्प्लिंटर जो कि सिमिलर। अब हमें अगर जो कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, हम बॉडी पार्ट कभी इधर से उधर घसक जाते हैं और टूट जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं टूटना। तो इसका इंग्लिश वर्ड है स्नैप, और इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रैक्चर, स्प्लिंटर, एंटोनिम हो जाएगा होल्ड। इफ़ यू एग्जांपल, इफ़ यू टेक द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार केप्ट स्नैपिंग। यहाँ पे गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एग्जांपल लिया गया है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार का जो वो स्ट्रिंग रहता है वो टूट गया। तो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द सेवन्थ वर्ड। मूविंग ओवर टू द एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड जो है ये होता है कंटेस्ट। कंटेस्ट हिंदी मीनिंग है प्रतिवाद करना, इंग्लिश मीनिंग अपोज। सिनोनिम हो जाएगा, अगर जो आप अपोज कर रहे हैं मतलब आप चैलेंज कर रहे हो, आप किसी के डिस्प्यूट में है, क्योंकि डिस्प्यूट में ही लोग एक दूसरे को अपोज कर दें, तो यहाँ पे वर्ड हो जाएगा चैलेंज और डिस्प्यूट फॉर इट्स सिनोनिम्स। बट इफ़ यू गो विथ एग्जाम्पल, इफ यू गो विथ एंटोनिम्स, इट विल बी अग्री विथ। एंड एग्जाम्पल के तौर पर द फॉर्मर ऑर्डरली कंटेस्ट हिज डिसमिसल। यहाँ पे डिसमिसल जो कि एक क्रिकेट में भी यूज किया जाता है डिसमिसल। सो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नाइन्थ वर्ड की ओर। सो जो नाइन्थ वर्ड विच हैज अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन इज विगर। विगर का मतलब होता है रॉबस्टनेस। रॉबस्टनेस मतलब कोई वेरी स्ट्रांग पर्सन, हार्डनेस, स्ट्रेंथनेस, स्ट्रेंथ, हार्डीनेस। सो विगर का मतलब रॉबस्टनेस, मतलब जिसके पास शक्ति हो, शक्तिशाली, वही हो गया विगर। और इससे एक वर्ड और आता है जो होता है विगरस। विगरस मतलब शक्तिशाली। सिनोनिम हो जाएगा हार्डीनेस, स्ट्रेंथ, एंटोनिम हो जाएगा वीकनेस। क्योंकि जब स्ट्रेंथ है सिनोनिम तो एंटोनिम हो जाएगा वीकनेस। अब एग्जांपल, आई एम 69 बट स्टिल
फुल ऑफ विगर एंड वाइटलिटी। यहाँ पे ओल्ड एज पीपल के बारे में बात किया जा रहा है कि एक आदमी है जो कि 69 ईयर्स के होते हुए भी वो बहुत अभी शक्तिशाली, उसके पास अभी रॉबस्टनेस स्ट्रेंथ है उस आदमी में। आई होप सब सभी लोग 9 वर्ड सीख लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने 10th एंड फाइनल वर्ड की ओर, सूरियल। सो सूरियल का मतलब होता है अवास्तविक, मतलब अनरियल, विच इज़ नॉट रियल। आप यहाँ पे सूरियल के बदले में इमेजिनरी भी ले सकते हैं इसका, क्योंकि जो चीज़ अनरियल है वो इमेजिनरी होगा, चाहे बिजारे और अनयूजुअल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दी सिनोनिम। अब एंटोनिम हो जाएगा रियल, क्योंकि अनरियल जब सिनोनिम है तो एंटोनिम रियल हो जाएगा। और एक और एंटोनिम आप ले सकते हो, दैट इज जेन्यून, जेन्यून, जेन्यून। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटोनिम, बिकॉज मीनिंग ऑफ एंटोनिम, मीनिंग ऑफ रियल एंड जेन्यून इज सेम। एंड इफ यू टेक विथ एग्जाम्पल, इफ यू अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल, द स्टोरी वॉज सुरियल मिक्स ऑफ फैक्ट एंड फैंटेसी। यहाँ पे कोई स्टोरी की बात किया जा रहा है जो कि बहुत अनरियल है फैक्ट एंड फैंटेसी के मामले में। उसमें जो फैक्ट एंड फैंटेसी जो स्टोरी में मेंशन किया गया है वो एक काइंड ऑफ अनरियल है। आई होप ऑल ऑफ यू लर्न द 10 वर्ड फॉर टुडे। सो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, हाउ वाज द सेशन फॉर टुडे एंड व्हाट आर द वर्ड्स यू लर्न। ऑल्सो कमेंट दोज वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन विथ मीनिंग्स। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स हूएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एज आई मेंशन्ड अर्लियर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। जय हिंद।